हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2016 से 2030 तक ये इनका टारगेट टाइम है। अब इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं, 17 जो गोल हैं और 169 टारगेट हैं। ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखें, 2030 इसकी डेडलाइन है। 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, तो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब कैसे याद रखें, क्या करें, तो वो हम सब डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इसमें कुछ निमोनिक्स हमने बनाए हैं, जैसे बेपाशा रोटी सिटी के पीछे पड़ी है। बेपाशा यानी बिजली, पी से पानी और सा से सड़क। ठीक है, बेपाशा पी छः यानी P6, वो बाद में बताऊँगा। और रोटी सिटी, रोटी सिटी का मतलब रोटी खाता रोटी बिगाड़ता, यानी जो लोग रोटी खाते हैं उनको हंगर नहीं होना है, उनको पॉवर्टी होनी चाहिए। और रोटी बिगाड़ता, जो लोग रोटी बिगाड़ते हैं, फूड का वेस्ट करते हैं, वो वाला भी इसमें गोल रखा गया है, नहीं बिगाड़ना चाहिए। और सिटी, सिटी में बेसिक जो है वो स्मार्ट सिटी वाले से आप ध्यान रखना। तो रोटी सिटी बिपाशा, ठीक है। रोटी में दो आ गए, रोटी खाता रोटी बिगाड़ता, और सिटी, सिटी में बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, और रोटी सिटी बिपाशा बिजली पानी सड़क। ठीक है, ये 17 है सब टोटल, आप जोड़ोगे तो आपको टोटल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल याद रखने हैं ये निमोनिक्स, और एग्जामिनेशन में MCQ में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो रोटी सिटी विपाशा, P6। P6 में पैदा होता पढ़ता पैसा कमाता, तो पैदा होंगे तो फिर मैटरनल मोर्टेलिटी चाइल्ड मोर्टेलिटी ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर पैदा होता उसके बाद पढ़ता, तो एजुकेशन से संबंधित सारे इंडिकेटर हैं। पैसा कमाता, पैसा कमाने का मतलब फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट में जब फिर तीन समस्या आएंगी, यानी तीन इंडिकेटर और आ जाएंगे। कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको भी फिर जो है वो देखना पड़ेगा। कुछ फिर महिलाओं का नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर जेंडर इनक्वालिटी हो जाएगी, फिर उनको भी देखना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ जो है वो महिलाओं को नौकरी नहीं मिलेगी पैसा कमाने में, और कुछ देश गरीब रह जाएंगे, तो जो गरीब देश हैं उनको भी देखना है। तो तीन इंडिकेटर जुड़ गए पैसा कमाने में, महिलाएं और कुछ लोग और देश। ठीक है, तो पैदा होता पढ़ता पैसा कमाता, इससे तीन, और फिर सब आपने देखा कि पैसा कमाते में सब हेड में तीन और आ गए, तो ये हो गया P3 हो गए हमारे। P6 में से तीन P और बचे हमारे अभी। अब वो हैं कि पुलिस में जाता और पार्टनरशिप करता और पर्यावरण बिगाड़ता। पर्यावरण बिगाड़ोगे तो लैंड और सी दोनों को लिया गया है। पुलिस में जाता जो जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव जस्टिस होना चाहिए, पुलिस एपैथी नहीं होनी चाहिए, तो वो वाला भी इसमें पुलिस में जाता भी वाला लिया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी आप देख सकते हो जो टेररिज्म है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, पुलिस में जाता। ह्यूमन राइट वायलेशन भी इसी में आ गया, और पार्टनरशिप करता है, इन सब का जो है वो फुलफिलमेंट के लिए हमको पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो 17 गोल हो गए हमारे पूरे, और 169 टारगेट भी इसी में से आने। क्वेश्चंस सिंपल आएंगे एलिमिनेशन मेथड में, बस आप ये ध्यान रखना रोटी सिटी बिपाशा पीछे पड़ी है यानी P6, वो मैंने आपको बता दिया। बस इसको आप बार बार रिवाइज करते रहो, इस ऑडियो को इस वीडियो को सुनते रहो, याद हो जाएंगे आपको। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके सारे प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।